हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। मैं आपका अपने चैनल ग्रीन ग्रोन गार्डनिंग गोल्स में स्वागत करता हूँ। आज हम ये जो हार श्रृंगार है इसकी कटिंग को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने इसका जो मेरे दोस्त के यहाँ पे हार श्रृंगार उग रहा था तो उसके समय एक ये कटिंग तोड़ लाया और इसके साइड में ये दो स्टेम्स के जो है ये लगी हुई थी तो इनको मैंने हटा दिया प्लक करके, ये दो साइड की। और ये बीच में आप देख पा रहे होगे नोड है, इसमें थोड़े थोड़े उग भी रहे। अगर मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, देख पाए तो आप ये देखिए से, तो उसमें बीच में नोड है जैसे कहते हैं ना अपन गांठ, वो है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी थोड़ी सी मिट्टी की, जो बालू मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, पानी अच्छे से निकल जाता है और काफ़ी लंबे समय तक जो है इसमें प्लांट्स में नमी भी बनी रहती है। और एक डिस्पोजेबल ग्लास, इसको लेके हमारे को इसके पीछे ऐसे छेद कर देने हैं ताकि पानी ड्रेनेज जो होता है, वाटर ड्रेनेज, पानी की निकास इसमें से अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इसके अंदर मिट्टी भर लेनी है। मिट्टी भरने के लिए हमें इसको काफ़ी हद तक, ये बहुत ही रेतीली मिट्टी है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, स्पेशली जो स्टेम्स होती है। और कटिंग जब उगाते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर हम कोई दूसरी, तो कहते हैं ना मैन्योर और कॉम्पोस्ट नहीं डालते, उससे फंगस लगने का रूस के ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से हो गई। अब इसके बाद ये रूटिंग हार्मोन है मेरे पास रूटविन का, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसे, ये इसको मैंने छेद कर लिया है इसमें सुई से। और अब मैं इसको थोड़ा सा पेपर पे निकाल लेता हूँ। दोस्तों इसको मैंने, आप देख पा रहे हैं इसे, मैंने ये रूटिंग पाउडर जो है ये ले लिया है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसके लिए आपको कोशिश करता हूँ ढंग से दिखा सकूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर वाइट कलर का ये छोटा थोड़ा बहुत पाउडर इसमें से निकाला है, थोड़ा सा और निकाल लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सीजर लेके, सीजर से इसकी जो नीचे की साइड है, अगर आप देख पा रहे होगे हिस्सा, इस पर हम 45 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री में क्या होता है, आधी छाल निकली हुई रहती है साइड से और आधे रूट्स निकलने के लिए इसको जगह मिल जाती है, क्योंकि रूट्स जो होती है छाल में से निकलती है। जिसे हम हिंदी में हम कहते हैं ना कलम काटना, वो कलम काटी है हमने देसी भाषा में। और ये आप देख पा रहे होगे इसकी ये नोड्स है दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स के अंदर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, अब इस नोट्स तक हमारे को इस पे रूटिंग हार्मोन लगाना है। रूटिंग हार्मोन लगाने का तरीका क्या होता है, एक कप लीजिए, ठीक है, कप में इस पेड़ को इतना सा डाल दीजिए जिसमें ये लग जाए दोनों, ठीक है, और ये नीचे का हिस्सा नोट तक गीला हो जाए। नोट तक गीला होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो रूटिंग पाउडर है, ठीक है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसको हम अच्छे से इसकी जड़ पे लगा लेंगे। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ढंग से दिखा पा रहा हूँ तो आपको, आप देख पा रहे हैं इस पे काफ़ी अच्छे से वाइट कलर का जो ये पाउडर है जिसे हम रूटिंग हार्मोन कहते हैं वो लग चुका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी में एक जगह छोटा सा होल डिग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। ये काफ़ी पोसरी मिट्टी है जो आप देख पा रहे हैं,
ठीक है दोस्तों, आपको दिख रही होगी है, अब मैं इसको इसके अंदर लगा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने इसमें लगा दिया, ये स्टैंड हो चुकी काफ़ी हद तक, और मैंने इसको नोट्स तक ही काढ़ा है। और इसके बाद मैं इसके अंदर बचा कुचा जो रूटिंग हार्मोन का पाउडर है वो छिड़क दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इसको जो रूटिंग हार्मोन का इसके अलावा भी जो था सब वो मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसके, आप देख पा रहे हैं इसमें पाउडर भी मैंने छिड़क दिया, इसके बाद हम इसको मिट्टी इसके चारों तरफ गिरना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। जो हमने ये पानी ले रखा है इसको हम अब इसके अंदर नाप के पानी डालेंगे, ताकि ज़्यादा पानी ना हो और इसमें नमी भी बनी रहे, और हम इसमें इतना गिरेंगे ताकि जिससे इसके अंदर कोई समस्या इसको उत्पन्न ना हो फ्यूचर में। ये करने के बाद हम इसको दबाएंगे थोड़ा सा, दबाने से क्या होगा इसके आसपास की मिट्टी टाइट हो जाएगी, और प्लांट को ग्रो करने के लिए आसपास की मिट्टी टाइट ही चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, ताकि ये कभी हिले नहीं और इसके अंदर आराम से रूट्स डेवलप हो सके। ठीक है, आप देख पा रहे होगे इसमें ज़्यादा नहीं गया, यहीं तक पानी गया है। इसको हम तब तक डालेंगे जब तक इसके अंदर अच्छे से पानी नीचे तक ना पी ले मिट्टी। जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हो नीचे तक पानी जा रहा है, और काफ़ी अच्छा ड्रेनेज होता है इस वाली मिट्टी में पानी का। और ये जो होते हैं ना कटिंग्स और ग्राफ्टिंग प्रोपोगेशन करने वाली जो प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी मदद मिलता है इससे। ये देख रहे दोस्तों, तो अब नीचे तक ये पूरा पानी सिप कर लिया इसने, पूरा का पूरा नीचे तक गया। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से छेद भी करे थे, और हम इसमें पहली बार तब तक डालेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा पानी नीचे से निकल नहीं आता, ताकि एक बार इसमें ड्रेनेज का पूरा प्रॉपर तरीका हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि छेद जो हमने किए थे काफ़ी अच्छे साइज के किए थे, मिट्टी निकल पा रही है। ये देखिए दोस्तों, इधर से इसके पानी आना चालू हो गया। ये देखिए, ये पानी आने लग गया इसका नीचे का, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इसमें काफ़ी अच्छा। अब इसको हम, ये जो है प्लांट, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको अब हम छाया वाली जगह रख देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए छाया वाली जगह इसको अब हम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी बालकनी है, इसके अंदर इधर काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, इधर काफ़ी तेज़ धूप आ रही है और इधर छाया है, तो इसको सन शेडेड एरिया में रखिए, ताकि इसमें क्या होता है इसको आसानी रहे और इसकी जो स्टेम है वो भी सूखे नहीं, क्योंकि तो ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसकी स्टेम सूख जाती है और इसको थोड़ी सी नमी चाहिए होती है। तो इसको अब हम इस शेडेड जगह में रख देंगे कुछ दिन बाद, और इसके आगे का मैं अपडेट आपको दूंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने खुद के चैनल पे G3 ग्रीन ग्रो गार्डनिंग गोल्स में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको जो मैंने तरीके से हार श्रृंगार का पौधा लगाने के लिए जो ग्राफ्टिंग का तरीका बताया, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ग्रोथ कर सकूँ और आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के हमेशा भेजता रहूँ।